दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट सिस्टमेटिक एंड आईपीएम जो कि एक एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट का एक कोर्स है जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में दिया गया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्थोप्टेरा का जो करेक्टर है कि जनरल करेक्टर ऑफ ऑर्थोप्टेरा जो ऑर्डर है उसमें जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उन इंसेक्टों को के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इंसेक्ट पाए जाते हैं और ये भी जानेंगे कि इनका जो जनरल करेक्टर है जो सामान्य करेक्टर वह कौन कौन सा है और किस किस प्रकार के ये इंसेक्ट करेक्टर प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों जो ये ऑर्थोप्टेरा है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है ऑर्थस और एक पटेरस, ठीक टेरस। ऑर्थोस और टेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑर्थोस का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइट, ठीक, और टेरॉन्स का मतलब होता है विंग्स, यानी ऐसे इंसेक्ट जिसके विंग्स स्ट्रेट लाइट होते हैं। स्ट्रेट लाइट मतलब सीधे होते हैं, ऐसे इंसेक्ट जिनके विंग सीधे होते हैं वह ऑर्थोप्टेरा की श्रेणी में आते हैं। अब कौन कौन से इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके विंग सीधे होते हैं, तो जो इसका एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है लोक्टस, ग्रासोपर, कैटेडिडी, क्रिकेट्स एंड मेल क्रिकेट्स। तो ये सभी इंसेक्ट ऑर्थोप्टेरा की श्रेणी में आते हैं। अब इन जो इंसेक्ट हैं इनका जनरल करेक्टर क्या है, इनके जनरल करेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका नॉर्मल जो जनरल करेक्टर है दोस्तों कि इनमें जो नॉर्मल जनरल करेक्टर है वह है वन पेयर ऑफ एंटीनी आर फाउंड इन जनरली फिलीफॉर्म टाइप आर प्रेजेंट, यानी जो इनमें वन पेयर ऑफ एंटीनी पाई जाती है। और एंटीनी बेसिकली किस में पाई जाएगी, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इंसेक्ट को तीन भागों में बांटा गया है, तीन सेगमेंटेड है, हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन। तो जो हेड होता है इनका उनमें हेड पे वन पेयर ऑफ एंटीनी पाई जाती है, ठीक। और एंटीनी का बेसिकली जो कार्य होता है वह बड़े जानवरों से अपने आप को बचाते हैं एंटीनी की सहायता से, जिसमें कई सेंसरी आर्गन भी लगे होते हैं, या भोजन की तलाश करते हैं, या जो आसपास के जो टेम्परेचर होता है, आसपास के वातावरण होता है उसकी पहचान भी एंटीनी के द्वारा करते हैं, ठीक। इसके बाद दिया है कि वन आर टू पेयर ऑफ विंग आर प्रेजेंट, विंग्स जो होते हैं इनके वन पेयर होंगे या टू पेयर होंगे। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि विंग्स आखिर रहते कहाँ हैं, तो जो ये थ्री सेगमेंटेड होता है तो इनका विंग जो होते हैं वो थोरिक्स पे लगे होते हैं। थ्री पेयर लेग्स आर प्रेजेंट, इसमें तीन पेयर लेग पाए जाते हैं और यह तीन पेयर लेग जो होते हैं थोरिक्स पे पाए जाते हैं। हिंड लेग्स एडॉप्टेड फॉर जंपिंग, टर्साई थ्री और फोर सेगमेंटेड। जो हिंड लेग होता है वह जंपिंग टाइप के लेग होते हैं, यानी थोरेक्स पे तीन सेगमेंट पाए जाते हैं। तो जो लास्ट वाला थर्ड सेगमेंट होता है उस पर जो वन पेयर लेग होते हैं उसको हिंड लेग कहते हैं। और जो हिंड लेग होता है वह जंपिंग टाइप होता है और जंपिंग टाइप लेग बेसिकली जंप करने के काम आता है। जैसे ग्रास ओपर में देखे होंगे आप लोग, जो ग्रास ओपर होता है उसमें जो हिंड लेग यानी लास्ट के जो लेग पाए जाते हैं आखिरी पैर वह जंपिंग टाइप होता है। और इनमें माउथ जो होता है फाउंड बाइटिंग एंड चिंग टाइप, काटने और चबाने वाले मुख पाए जाते हैं इसमें। बेसिकली वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई डेवलप्ड, इनमें वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई पाई जाती है और वन पेयर ऑफ टिम्पेनी आर्गन आर फाउंड
और इनमें वन पेयर ऑफ टिम्पेनी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।